दास्तान मीना कुमारी के पिछले भाग में हमने सुना कि कैसे मीना जी और कमाल साहब ने मीना जी के पिताजी यानी अली बख्श जी को बिना बताए निकाह कर लिया था और दोनों ने आपस में ये तय किया था कि दोनों अलग अलग रहेंगे जब तक कि 2 लाख रुपया इकट्ठा करके मीना कुमारी जी अपने पिताजी को नहीं दे देती। मीना कुमारी जी उस समय बहुत सारी फिल्में कर रही थी और उनकी फिल्म की डेट्स और शेड्यूल आदि का काम उनके पिता अली बख्श जी ही देखते थे। सारी फिल्मों को डेट्स मिल रही थी लेकिन केवल कमाल अमरोही जी की फिल्म दायरा को कोई डेट नहीं मिल पा रही थी। हालांकि मीना जी और कमाल अमरोही जी के बीच पहली मोहब्बत की लड़ाई हो चुकी थी लेकिन फिर भी इश्क तो था ही। 14 फरवरी सन 1953 को मीना जी अपने वीकेंड के लिए खंडाला गई हुई थी और वहीं से उन्होंने कमाल साहब को फ़ोन किया शादी की सालगिरह की बधाई देने के लिए और तब उन्होंने कमाल साहब को बताया कि उन्होंने उनका वो खत फाड़ कर फेंक दिया है जिसमें कमाल साहब ने उनसे अलग होने के लिए कहा था। कमाल साहब बहुत खुश हुए और उन्हें सुकून हुआ कि अब सब कुछ ठीक है। दोनों के बीच का पहला झगड़ा सुलझ गया था। जब मीना जी खंडाला से लौट के आईं तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि वो कमाल साहब की फिल्म करेंगी और उसके लिए डेट्स अरेंज करना पड़ेगा। तब उन्होंने मीना जी को साफ साफ बता दिया कि कोई डेट्स अवेलेबल नहीं हैं और महबूब साहब की फिल्म अमर करना मीना जी के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोई भी हीरोइन जो महबूब साहब की फिल्म करेगी वो रातों रात फर्श से अर्श पर पहुंच जाएगी। लेकिन मीना जी ने कहा कि आपको डेट्स देनी ही पड़ेंगी। फिल्म अमर में दिलीप साहब हीरो थे और दिलीप साहब के साथ काम करना किसी भी हीरोइन के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। मीना महबूब साहब के पास काम करने के लिए गई और वहां जाकर 5 दिन काम करने के बाद उनकी और महबूब साहब के बीच कुछ अनबन हो गई और मीना सेट छोड़कर अपने बाबूजी के पास पहुंची और उन्हें बताया कि वो बॉम्बे टॉकीज जा रही हैं जहां कमाल साहब अपनी फिल्म पर काम कर रहे हैं। अली बख्श साहब ने उनको चेताया कि अगर वो दायरा की शूटिंग करने कमाल साहब के पास जाएंगी तो इस घर के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाएंगे। ये 14 अगस्त 1953 का दिन था। मीना कुमारी जी बॉम्बे टॉकीज गईं और उन्होंने अपने पति की फिल्म के लिए काम करना शुरू कर दिया। जब वो शाम को शूटिंग करके घर लौट कर आई तो उनके पिताजी को तब तक पता चल चुका था कि मीना दायरा की शूटिंग के लिए बॉम्बे टॉकीज गई हैं और उन्होंने घर के दरवाजे बंद कर लिए और दरवाजे खोलने से इनकार कर दिया। छोटी बहन मधु ने अपने पिताजी को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रहीं। वो बहुत गुस्से में थे और अपनी बात पर डटे हुए थे। मीना जी भी बहुत ज़्यादा सख्त हो गई थी और वो माफ़ी मांगने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने मधु से कहा कि मेरी कुछ साड़ियाँ ले आओ और मधु उनकी साड़ियाँ लेकर आ गई और उन्होंने अपने पिता का घर छोड़ दिया और सायन चली गई जहाँ कमाल अमरोही साहब रहते थे। जब मीना जी सायन पहुंची तो कमाल साहब वहां नहीं थे। उन्होंने घर में काम करने वाले व्यक्ति से पूछा बेडरूम कहां है और वहां जाकर उन्होंने कमाल साहब की अलमारी में अपनी साड़ियां टांग दी। ये वही क्षण था, ये वही पल था जिसके लिए एक औरत
उम्र की उस दहलीज पर पहुंचकर हमेशा इंतज़ार करती है जिस दहलीज पर उसे अपने बचपन और बड़े होने का फ़र्क समझ में आ जाता है। मीना जी फिर से बाहर चली गईं। तब तक कमाल साहब घर आ गए थे। फ़ोन की घंटी बजी और उन्हें लगा कि शायद मीना जी का ही फ़ोन आया होगा, मगर फ़ोन शायद रॉन्ग नंबर था। कमाल साहब परेशान थे और तभी मीना जी अंदर आ गईं। कमाल साहब बहुत खुश हुए जब मीना जी ने उन्हें अपनी वार्डरोब में टंगी हुई साड़ियां दिखाई और इस तरह से मीना जी अपने निकाह के लगभग 1.5 साल बाद अपने पति के पास रहने के लिए आ गई। उसी रात लगभग 10:30 बजे मीना जी ने अपने पिता के लिए एक खत लिखा। उसमें उन्होंने लिखा, बाबूजी जो कुछ हुआ मैंने घर छोड़ दिया है, आप कृपया मुझसे अदालत में जाने के लिए ना कहें, ये बहुत बचकाना होगा, मुझे आपके घर से कुछ नहीं चाहिए, बस अपने कपड़ों और किताबों के सिवा। ये कार जो मैं आज लेकर के आ गई हूँ वो मैं कल आपको आपके घर भेज दूँगी। मेरे कपड़े और बाकी ज़रूरी चीज़ें आप मेरे पास भेज सकते हैं जब आपको सुविधाजनक लगे। आप चाहे तो खत से या फ़ोन करके मुझे बता सकते हैं कि आपने क्या निर्णय किया। मीना। जब अली बख्श साहब को ये खत मिला तो वो बहुत परेशान हो गए। उन्होंने फिर बहुत कोशिशें की कि वो अपनी बेटी को किसी तरह से वापस ले आए, लेकिन मीना अपने पति के साथ रहने के लिए गई थी और वो इस बात का पक्का इरादा कर चुकी थी कि वो वापस नहीं आएंगी। मीना उस समय बहुत सी फिल्मों में काम कर रही थी, फुटपाथ, परनीता, दायरा, दाना पानी, नौलखा हार। जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि इतनी सारी फिल्मों में एक साथ आप काम कैसे कर लेती हैं, तो उन्होंने बताया, मैं सूरज उगने के साथ साथ आधी रात तक बस काम और काम ही करती रहती हूँ। लेकिन इतनी सारी फिल्में एक साथ करने की एक और वजह भी थी। दरअसल जब वो कमाल साहब के घर आ गई थी तो उनका सारा का सारा काम देखने लगे थे खुद कमाल साहब और उनके असिस्टेंट बाकर। वो अपने काम में बहुत होशियार थे और उन्होंने इस तरह से डेट्स अरेंज की थी कि मीना इतनी सारी फिल्मों में काम कर पाई। वो एक साथ 5 फिल्मों में काम कर रही थी। मीना 11 साल तक कमाल साहब के साथ रहीं और उन्होंने इस दौरान लगभग 50 फिल्में की और उनके कैरियर की कुल फिल्में थीं 77। मीना खुश थी, बहुत संतुष्ट थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। उनका अपने पति के साथ संबंध बहुत अच्छा था, शादी बहुत अच्छी चल रही थी और अपने सिनेमा कैरियर में वो ऊंचाइयों पर थी और उनके पिता के घर में भी सब कुछ ठीक था। उनकी छोटी बहन मधु ने शादी की थी महमूद जी के साथ, इससे अच्छा और क्या हो सकता था। लेकिन इससे भी अच्छा कुछ हुआ, सन 1953 में उन्हें मौका मिला लक्स के एड में काम करने का और उससे वो रातों रात प्रसिद्ध हो गईं। लक्स के एड में जो भी हीरोइन काम करती थी उसका एक विशेष स्थान माना जाता था। लेकिन घर पर कुछ और ही कहानी चल रही थी। कमाल साहब की पहली बीवी ने इस बात को बहुत अच्छे से नहीं लिया और उन्होंने मीना और अपने शौहर के निकाह की खबर सुनकर अपने दिल और दिमाग पर बहुत जोर डाल लिया और उनको नर्वसनेस की
दौरे पड़ने लगे। वो दौरे धीरे धीरे बद से बदतर होते चले गए और उन्हें उनके ससुराल अमरोहा भेज दिया गया। उन्होंने अपना ज़्यादातर जीवन वहीं पे काटा। जब मीना कमाल साहब के घर आई, उसके पहले उनके जीवन में एक और घटना घटी थी। दरअसल उनके घर पर एक बेहद खूबसूरत लड़की आई और उसने उनसे दरख्वास्त की कि मुझे कोई काम दे दीजिए। वो बहुत खूबसूरत थी। उसने बताया उसके पास कहीं पर रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। मीना दयालु थी और उन्होंने फिरदौस को अपने साथ रख लिया। वो उनके साथ रहने लगी। मीना उसे लेकर स्टूडियोज़ में भी चली जाती थी। फिरदौस कुछ करती नहीं थी, बस सज धज कर मीना जी के पास खड़ी हो जाती थी। तब कमाल साहब के सेक्रेटरी ने मीना जी से कहा कि ये अच्छा नहीं है, उन्हें इस औरत को घर पर ही छोड़ देना चाहिए। मीना ने उसे अपने बांद्रा वाले घर पर छोड़ दिया। लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें ये खबर मिली कि उनके पिता अली बख्श ने फिरदौस से निकाह की पेशकश की है और तब मीना ने अपना बाकी बचा सामान भी वहां से मंगवा लिया और अपनी बड़ी बहन के घर से चले जाने के बाद मधु भी अपने प्रेमी महमूद के साथ चली गई और उन्होंने उनसे शादी कर ली। अली बख्श अब बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। अब कमाल साहब सायन से पाली हिल आ गए थे और यहाँ उन्होंने एक फ्लैट ले लिया। इस बिल्डिंग में कोई लिफ्ट नहीं थी और इस बिल्डिंग के दूसरे माले पर मीना और कमाल साहब लगभग 12 साल तक रहे। मीना की ज़िंदगी के ये सबसे खूबसूरत और खुशनुमा दिन थे। मीना जी के लिए कमाल साहब सब कुछ थे। उनके लिए कमाल साहब दुनिया के सबसे ज़हीन इंसान थे, बिल्कुल सुकरात जैसे, और वो उन्हें बेहद खूबसूरत, हैंडसम और चार्मिंग भी मानती थी। दोनों खुश थे एक दूसरे के साथ समय बिताते हुए, एक दूसरे के साथ रमी खेलते हुए, बातें करते हुए, किताबें पढ़ते हुए। दोनों कमाल साहब की ब्यूक में बैठकर अंग्रेजी फिल्में देखने भी जाया करते थे। दोनों एक लम्हे के लिए भी एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहते थे। मीना जी ने लिखा था, मैं इश्क में हूँ, हाँ मैं इश्क में हूँ एक शादीशुदा इंसान के साथ जिसने मुझसे शादी की है। एक बरस बीत गया मुझे शादी किए और मैं आज भी दुनिया की सबसे खुश इंसान हूँ, क्योंकि जिस शख्स से मैंने शादी की है वो मेरे लिए मेरा वो आइडियल इंसान है जिसे मैं उससे मिलने के पहले ही इश्क करती थी। हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। कमाल ने मेरी हर बात पूरी की है जो मैंने उनसे उम्मीद रखी थी। अगर कमाल साहब से पूछा जाए तो शायद मेरे लिए वो भी यही कहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे बीच एक बहुत गहरी समझ है और शायद दो रूहों में जो नज़दीकी होती है वो है। शायद ये आपको देख सकें जो फिल्म अभी हम लोगों ने एक साथ बनाई है, दायरा। ना कहती थी हमारे बीच में इश्क का, प्यार का एक ऐसा बंधन है जो रोज़मर्रा के जीवन में भी दिखता है। हम एक दूसरे के साथ जीवन को एक शायरी की तरह जी रहे हैं।
हर काम हर चीज़ एक दूसरे के साथ जैसे एक नगमा बन गई है। छोटे छोटे से जीवन के रोज़मर्रा के काम बहुत सुकून देते हैं, चाहे वो एक दूसरे के साथ पेपर पढ़ना हो या फिर अपने शौहर के लिए चप्पलें लाना। परिणीता बहुत सफल फिल्म हो गई थी और उसी के साथ हिट हो गई थी अशोक कुमार और मीना कुमारी की जोड़ी। मीना कुमारी जी ने अशोक कुमार जी के लिए यानी दादा मुनि जी के लिए कहा था कि उन्होंने कभी भी इतने बड़े एक्टर होने का कोई दिखावा नहीं किया और अगर उन्हें लगता था कि कोई सीन ठीक ढंग से नहीं फिल्माया गया तो वो बजाय ये कहने के कि इस सीन को इस तरह से करो, कहते थे कि अगर ये सीन इस तरह से कर लिया जाए तो क्या आपको नहीं लगता ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि अशोक कुमार जी उस वक्त थे 42 बरस के और मीना जी उनसे पूरे 22 साल छोटी थी, फिर भी दोनों की जोड़ी हिट हो गई थी। और फिर आया मीना जी के जीवन में एक और मोड़। ये मोड़ क्या था और इसने मीना जी के करियर को कहां से ले जाकर कहां पहुंचा दिया, ये सब जानेंगे दास्ताने मीना कुमारी के अगले अंक में। तब तक आप बने रहिए मूवीज की सनीमा बाजी के साथ और सुनते रहिए भारतीय सिनेमा की ट्रेजिडी क्वीन मीना कुमारी के जीवन के कुछ सुने और अनसुने किस्से।